हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मैक्स आर्मी में। ओके, तो देखिए, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने एक्सरसाइज नंबर 2.2 स्टार्ट किए थे। उसमें एक्सरसाइज नंबर 2.2 के क्वेश्चन नंबर 4 तक के सभी क्वेश्चन हमने सॉल्व किए थे। ओके, नाउ एट द टाइम वी विल स्टार्ट दैट इज क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 5। हाँ, क्वेश्चन नंबर फाइव स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियोज के अपडेट आप तक जल्द से जल्द मिलते रहे। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या बोला है, इफ 2 sin theta + 3 sin theta इज इक्वल टू 0, देन फाइंड द प्रिमिसिबल वैल्यू ऑफ cos theta। तो आज हम लोग नया कॉन्सेप्ट सीखने वाले, प्रिमिसिबल वैल्यू। तो इससे पहले आपको पता होगा जो sin theta और cos theta का जो रेंज है क्या होता है, -1 से कहां तक, 1 के बीच में होता है। ओके, तो ये देख लीजिए, ये हो गया आपका यहाँ पे 0 -1। अगर इनके बीच में अगर इसका वैल्यू आता है तो प्रिमिसिबल वैल्यू है, अदरवाइज नहीं है। ओके, ये छोटा सा कंसेप्ट है कि जो रेंज है ना, वो रेंज के अंदर में आना चाहिए। रेंज के अंदर आ रहा है तो आपका वैल्यू क्या है, प्रिमिसिबल है, अदरवाइज नहीं है। तो साइन और कॉस का जो रेंज कितना होता है, -1 से लेके 1 तक का। ओके, तो ये हो गया है। चलो हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, जो क्वेश्चन दिया उसको ले लेते हैं। क्या दिया है, 2 sin² θ + 3 sin θ = 0। ओके, अब क्या करना है, यहां देखिए ये भी साइन है, ये भी साइन है, तो साइन को हम लोग कॉमन ले लेंगे। साइन थीटा कॉमन लेने पे क्या बचेगा, 2 sin θ + 3 = 0, बिकॉज ये साइन भी क्या गया, बाहर आ चुका है। अब यहाँ पे देखिए दो ब्रैकेट है तो दोनों के इक्वल टू में क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ओके, हो जाएगा sin θ = 0 और 2 sin θ + 3 = 0। ओके, तो इसका निकालते हैं, देखो साइन थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, -3/2 और यहाँ पे क्या आपका साइन थीटा का वैल्यू क्या है, दैट इज 0। और हाँ, तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये दो वैल्यू आया है, अब दोनों में से हमको कौन सा वैल्यू कंसिडर करना है। तो देखिए -3/2 यानी कि -3/2 यानी कि 1 point something आएगा, तो -1 point something यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे -1, -1 point something यहाँ पे रेंज से बाहर आ जाएगा, तो आपका प्रिमिसिबल वैल्यू नहीं है। बट ये 0 है, 0 क्या है, -1 से ग्रेटर है, 1 से लेस देन, यानी कि यहाँ पे लाइज कर रहा है, यानी कि वो रेंज के अंदर, दोनों के रेंज के बीच में लाइज कर रहा है, मीन्स ये है। ओके, तो हमने ये काम कर लिया है, तो यहाँ पे आपका क्या हो गया है, जो साइन थीटा वैल्यू क्या आ गया है, 0। बट हमको वहां पे क्या पूछा है, ध्यान से देखिए, हमको साइन थीटा नहीं पूछा, हमको क्या पूछा है, कॉस थीटा। हमको क्या पूछा है, कॉस थीटा का वैल्यू क्या है बताइए। तो ये तो साइन थीटा वैल्यू हो गया, अब हम लोग क्या कर देंगे, इसका स्क्वायरिंग कर देंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। ओके, जब स्क्वायरिंग कर देंगे क्या हो जाएगा, sin²θ = क्या हो जाएगा, 0 ही रहेगा। ओके, तो sin²θ को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 1 - cos²θ = 0। अब देखिए क्या होता है, देखिए sin²θ + cos²θ = 1 होता है। ओके, अब यहाँ पे साइन है तो साइन को इधर रखो, कॉस को उधर ढकल दो, तो sin²θ = क्या जाएगा, 1 - cos²θ। तो यहाँ पे देखिए साइन के क्या रख दिया, 1 - cos²θ। ओके, अब देखिए ये माइनस कॉस हो जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो ये 1 = क्या जाएगा, cos²θ। तो स्क्वायर रूट ले लेता हूं, तो cos θ = क्या जाएगा, +-1। ये आपका फाइनल आंसर है। और जो cos का जो वैल्यू है, यहाँ पे ध्यान से देखिए, ओके, यहाँ पे जो cos का जो वैल्यू है, जो cos यानी कि थीटा, यहाँ जो हमारा क्या है, cos थीटा है, यहाँ पे करता हूँ, जो यहाँ पे हमारा cos थीटा क्या है, cos का जो वैल्यू क्या है, -1 से लेस देन है और इक्वल टू है, और -1 से ग्रेटर देन इक्वल टू। तो ये इनके क्या आ रहा है, रेंज में आ रहा है। ओके, ये जो वैल्यू आ रहा है क्या है, इनके रेंज में आ रहा है, तो ये आपका क्या है, फाइनल आंसर है। ओके, ये हमारा फाइनल आंसर, क्योंकि देखिए हमको क्या पूछा था, फाइंड द प्रिमिसिबल वैल्यू ऑफ द कॉस, तो हमने क्या किया, साइन थीटा निकाल लिया कि देखिए 0 है, तो यहाँ पे आप ऐसा रीजन दे सकते हैं कि जो थीटा क्या है, थीटा लेस देन 1 है और ग्रेटर देन -1 है। यहाँ पे साइन थीटा पूरा लिख रहा हूँ, साइन थीटा क्या है, लेस देन 1 है और ग्रेटर देन -1 है, इसके लिए क्या है, ये प्रिमिसिबल वैल्यू है। जब प्रिमिसिबल वैल्यू है तो हमको क्या करना पड़ेगा, हमको cos थीटा का वैल्यू फाइंड करना पड़ेगा।
तो कॉस थीटा पूछा हमको साइन दिया है, तो हम इसको क्या करेंगे स्क्वायरिंग कर देंगे। स्क्वायरिंग करने के बाद क्या होता है, देखो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, तो हमको पता है क्या पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। तो यहाँ से हमने क्या किया, कॉस को उधर ढकेल दिया, तो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो साइन थीटा पे मैं क्या रखता हूँ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा रख सकता हूँ। देखिए यहाँ पर रख दीजिए है, तो ये देखिए ये माइनस तो प्लस हो गया, यानी यहाँ पे वैल्यू आ गया कॉस का प्लस माइनस 1। ओके, तो ये इस तरीके से करना है। यहाँ पे आपको क्या होता है, ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया है। ये आपको रीजन देना है, यहाँ पे आपको रीजन देना, जो मैंने यहाँ पे दिया कि माइनस 1 से क्या है ग्रेटर देन इक्वल टू है कॉस थीटा, और 1 से लेस देन इक्वल टू कॉस थीटा, यही आपका क्या है फाइनल आंसर है। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 5 क्या होगा सॉल्व हो गया है। आप इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आए दोस्तों अब सॉल्व करते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या होता है, इफ 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 11 cos थीटा प्लस का 5 इज इक्वल टू 0, देन फाइंड द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x। हमको क्या करना है, x का पॉसिबल वैल्यू फाइंड करना है। ओके चलो ले लेते हैं इसको सॉल्यूशन में। 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 11 cos थीटा प्लस का 5 इक्वल टू 0। अब इसको ध्यान से देखिए, कुछ ऐसा दिख रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, मीन्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसा दिख रहा है। देख लीजिए, ए एक्स स्क्वायर प्लस माइनस बी एक्स प्लस का सी इक्वल टू 0। ओके, तो हमको इस तरीके से दिख रहा है। तो हम इसको सॉल्व करने के 3 मेथड से, फैक्टराइजेशन, कंप्लीट स्क्वायरिंग मेथड और एक था फॉर्मुलेशन। तो सबसे इजी क्या था, फैक्टराइजेशन। तो हम लोग चलो इसको करते फैक्टराइजेशन। तो देखो फैक्टराइजेशन कैसे करते थे, यहाँ पे जो भी नंबर था इसका सेम मल्टीप्लाई यहाँ पे कर दो, तो 5 2 10। अब ये 10 का ऐसा फैक्टर निकालो आप प्लस, यहाँ कि प्लस माइनस करने पर माइनस 11 आए, तो 10 बन जा 10, माइनस सिर्फ दोनों को माइनस, देखिए माइनस 10 माइनस 1 माइनस 11 हो जाएगा, और 10 बन जा 10 माइनस माइनस प्लस। तो यहाँ पे लिखिए हो जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस का 10 cos थीटा माइनस का cos थीटा प्लस का 5 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे क्या करना, दो दो का पेयर लगाना है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी cos है, यहाँ पे भी cos है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 के टेबल में 10 आता है, 2 5 10, तो 2 भी कॉमन आएगा और cos भी कॉमन आएगा। तो ले लीजिए 2 cos थीटा कॉमन लेता हूँ, तो यहाँ पे क्या होता है, सिर्फ cos थीटा माइनस 2 5 10 यानी 5। फिर यहाँ से माइनस को कॉमन लेता हूँ 1 को, तो क्या होता है cos थीटा प्लस माइनस माइनस 5 इक्वल टू 0। ये हो गया, हमने कॉमन ले लिया। अब देखो ये अगेन कॉमन है क्योंकि दोनों सेम है, cos थीटा माइनस 5, तो लिख लीजिए cos थीटा माइनस 5 अगेन कॉमन आ गया है। अंदर क्या बचेगा, यहाँ पे देख लीजिए 2 cos थीटा माइनस का 1 इज इक्वल टू 0। ओके ये हो गया। अब क्या करना, देखिए दो ब्रैकेट के इज इक्वल टू में 0 है, तो क्या करना, दोनों के इक्वल टू में 0 सेपरेट कर दो। ओके हो जाएगा cos थीटा माइनस 5 इक्वल टू 0 और 2 cos थीटा माइनस 1 इक्वल टू 0। ओके ये देखिए, इधर माइनस करेगा तो प्लस 5 हो जाएगा, तो cos थीटा इक्वल टू क्या जाएगा 5, और 2 cos थीटा इक्वल टू क्या, देखें ये माइनस करेगा तो 1, इसको तो सेम रखिए cos थीटा इक्वल टू 5, और ये 2 इधर इंटू इधर तो डिवीजन, तो cos थीटा इक्वल टू 1/2। ओके अब देखिए cos के दो दो वैल्यू आ गए हैं, और हमको बोला पॉसिबल वैल्यूज ऑफ cos चाहिए। तो आपको पता है जो cos का जो रेंज रहता है 0 1 -1, इनके बीच में होता है। तो देखिए phi क्या है, आउट ऑफ रेंज इधर जा रहा है बाहर, तो हम लोग इसको कंसिडर नहीं करेंगे, इसके लिखना पड़ेगा cos थीटा नॉट इक्वल टू 5। ओके यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका cos थीटा इक्वल टू 1/2 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे रीजन क्या बोलता है कि जो cos थीटा का जो वैल्यू है क्या होना चाहिए, माइनस 1 से ग्रेटर होना चाहिए और 1 से लेजर होना चाहिए। ओके अगर ऐसा है, हाँ अगर ऐसा है तब जाके वैल्यू आएगा। तो यहाँ पे cos का वैल्यू क्या आ गया आपका, ये आपका cos थीटा इक्वल टू क्या है 1/2, ये आपका फाइनल आंसर। ओके तो इस तरीके से करना है। यहाँ पे देख लीजिए क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी कि फैक्टराइजेशन मेथड यूज कर रहा है, जो आपने 10th में बहुत ही बार यूज किया है, आपका पूरा एक्सरसाइज था, उसके ऊपर पूरा चैप्टर था। ओके तो सबसे पहले देखिए हमने क्या किया है, इसका मल्टीप्लाई लास्ट में कर दिया तो 10 आया है, 10 का ऐसा फैक्टर निकालना है प्लस माइनस करने पर बीच वाला टर्म आना चाहिए, तो 10 1 10 दोनों ऐड करता हूँ तो 11 आता है, दोनों का मल्टीप्लाई करता हूँ तो 10 आता है, यानी हमने इसके जगह इन दोनों को लिख दिया। ओके फिर क्या किया, हमने कॉमन निकाल लिया, कॉमन निकालने के बाद दोनों के इक्वल टू में 0 रख दिया, फिर दोनों के इक्वल टू 0 रखने के बाद उसको सिंप्लीफाई करके हमने आंसर निकाल लिया। फिर आंसर निकालने में देखिए दो आंसर आया, तो हमको दोनों को रख के चेक करना पड़ता है। देखिए 1/2 क्या होता है 0.5 होता है, 0.5 आपका कहीं ना कहीं यहाँ लाइस करेगा,
तो ये क्या आ रहा है, रेंज के अंदर आ रहा है, इसके लिए वो हमारा आंसर है। फाई क्या है, आउट ऑफ रेंज है, इसके लिए हमारा आंसर नहीं है। तो ये इस तरीके से करना है, मैं इसको मिटा देता हूं। ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व हो गया है। आप इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अच्छी, और हाँ यहाँ पे इक्वल टू का भी साइन दे दो, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि क्लोज ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, वो भी इंक्लूड है। ओके, क्लोज ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, ये भी इंक्लूड है, तो यहाँ पे इक्वल टू का साइन रहना चाहिए। ओके, तो आपको इसको अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आज दोस्तों सॉल्व करते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 7। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, क्वेश्चन 7 क्या होता है, फाइंड द एक्यूट एंगल यानी कि थीटा इफ 2 cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3 sin थीटा दिया है। तो ले लीजिए सॉल्यूशन, क्या दिया है, 2 cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3 sin थीटा। ओके, अब देखिए हमको क्या बोला, एक्यूट एंगल फाइंड करने बोला है, तो आप दोनों तरीके से इसको cos में कन्वर्ट करेंगे तो भी आएगा, इसको साइन में कन्वर्ट करेंगे तो भी आएगा। तो इजी क्या है, इसको साइन में कन्वर्ट करना इजी है। ओके, क्योंकि ये ऑलरेडी स्क्वायर में दिया है, तो हम लोग इसको ऐसा लिख सकते हैं, 2 ब्रैकेट में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू जो सेम 3 साइन थीटा, रीजन में क्या जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना होता है, 1 होता है। ओके, अब 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो जाएगा 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3 साइन थीटा। अभी दोनों इधर है, इधर जाएंगे तो साइन चेंज हो जाएंगे। देखिए ये पहले लिख लेता हूँ 3 साइन थीटा, ये इधर प्लस दे रहा तो माइनस 2, ये माइनस दे रहा है तो प्लस 2, तो प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 0। अब इसको अरेंज कर लेते हैं, पहले स्क्वायर वाले टर्म को लिख लेता हूँ, तो 2 साइन स्क्वायर थीटा, फिर प्लस का 3 साइन थीटा, माइनस का 2 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, अभी क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में आ गया। देखिए ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी, तो यहाँ पे सेम प्रोसेस यहाँ पे भी करेंगे, जो 2 का मल्टीप्लाई यहाँ पे करेंगे तो 2 जा माइनस 4, इसका ऐसा फैक्टर निकालना, प्लस माइनस करने पे 3 आना चाहिए, तो 4 वन जा 4 प्लस 3, तो बड़े वाले प्लस छोटे वाले पे माइनस हो गया। अब इसके जगह पे क्या करना है, इसके जगह पे क्या करना है, इन दोनों को लिखना है, तो लिख दीजिए 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस का 4 साइन थीटा माइनस का साइन थीटा माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ओके, अब देखिए 4 में से 1 गया, 3 सेम आ रहा है, और ये सेम ही रहता है। ओके, अब क्या करना है, यहाँ पे यहाँ से देखिए, यहाँ से कॉमन आ जाएगा, यहाँ से कॉमन आ जाएगा। देखिए 2 के टेबल में 4 आता है तो 2 भी कॉमन आएगा, यहाँ पे भी साइन है, यहाँ पे भी साइन है, तो साइन भी कॉमन आएगा। तो यहाँ पे कॉमन क्या कहेंगे, 2 साइन थीटा कॉमन आएगा, अंदर क्या बचेगा, देखिए 2 टाइम साइन थीटा थे तो एक साइन थीटा बाहर, तो एक साइन थीटा अंदर, प्लस 2 जा 4। फिर देखिए यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस, तो मैं माइनस 1 को कॉमन लेता हूँ, क्योंकि देखिए यहाँ पे साइन थीटा बट यहाँ पे साइन थीटा नहीं, यहाँ पे 2 यहाँ पे 2 नहीं है, तो कुछ भी कॉमन तो है नहीं, तो हम कुछ भी कॉमन नहीं निकाल सकते ना, तो यहाँ पे क्या है, लेकिन माइनस 1 तो है, तो हमने क्या किया, माइनस 1 को कॉमन निकाल लिया। ओके, ये बचेगा साइन थीटा प्लस का 2 इज इक्वल टू 0। अगेन देखो इन दोनों सेम आ रहे हैं, इनको वापस से कॉमन ले लूंगा, साइन थीटा प्लस का 2 कॉमन लिया, बचा क्या, 2 साइन थीटा माइनस का 1 इज इक्वल टू 0। अब दोनों के इक्वल टू में 0 रख दो, साइन थीटा प्लस का 2 इज इक्वल टू 0 और 2 साइन थीटा माइनस का 1 इज इक्वल टू 0। ओके, तो ये देखो ये प्लस इधर है तो माइनस, तो साइन थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस 2 और 2 साइन थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस का प्लस 1। ओके, तो हो जाएगा साइन थीटा इज इक्वल टू माइनस 2 और यहाँ से इधर अपॉन में चल जाएगा तो हो जाएगा साइन थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 1/2। तो साइन थीटा का 2 वैल्यू आ गया है। ओके, और आपको पता है जो साइन थीटा का रेंज है क्या होता है, क्या होता है, ध्यान से देखिए, यहाँ पे 0, यहाँ पे 1 होता है और यहाँ पे माइनस 1 होता है। ओके, यहाँ पे 1, यहाँ पे माइनस 1, इनके बीच में होता है, और जो माइनस 2 का आउट ऑफ रेंज है, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि साइन थीटा इज इक्वल टू माइनस 2 क्या है, नॉट कंसिडर, बिकॉज यहाँ पे रीजन दे देंगे, इसलिए साइन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/2। अब क्यों नहीं आ रहा, रीजन देते हैं, जो थीटा का वैल्यू है, साइन थीटा का जो वैल्यू है क्या होना चाहिए, माइनस 1 से कम होना चाहिए। ओके, 1 से कम होना चाहिए और माइनस 1 से ज़्यादा होना चाहिए, तो यहाँ पे रीजन दीजिए, माइनस 1 से ग्रेटर देन इक्वल टू होना चाहिए साइन थीटा वैल्यू और 1 से लेस देन इक्वल टू होना चाहिए, ये रीजन दे दिया, इसके से हमारा साइन थीटा वैल्यू कितना गया, हाफ आ गया।
हमको थीटा पूछा ना, तो साइन थीटा इज इक्वल टू हाफ कहाँ पे आता है, साइन पाई बाय थ्री, यानी कि 30 पे, यहाँ पे 30 डिग्री दे दिया है, साइन साइन कैंसर, थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। तो एक्यूट एंगल पूछा था ना, तो लिखोगे एक्यूट एंगल इज इक्वल टू कितना क्या, 30 डिग्री। ये हमारा फाइनल आंसर है। तो बहुत ही सिंपल है, जैसा हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व किया था फैक्टराइजेशन मेथड, सेम उसी मेथड से हम लोग यूज़ कर रहे हैं। बस यहाँ से छोटा सा कंसेप्ट क्या लगता है कि हमको बताना पड़ता है कि जो साइन थीटा क्या है, माइनस वन और माइनस वन से ग्रेटर देन इक्वल टू है और वन से लेस देन इक्वल टू, ओके, क्योंकि क्लोज ब्रैकेट लगता है तो दोनों उसमें ऐड होते हैं। तो ये यहाँ पे क्या हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व हो गया है। आप इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आए दोस्तों अब सॉल्व करते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 एज इट इज क्वेश्चन नंबर 7 के जैसा ही है। वहाँ पे बोला था एक्यूट एंगल फाइंड कीजिए थीटा, कुछ कंडीशन दिए होते हैं। यहाँ पे बोला है एक्यूट एंगल फाइंड कीजिए थीटा और दिया है 5 tan स्क्वायर थीटा प्लस 3 इज इक्वल टू 9 sec थीटा। चलो इसको भी सॉल्व करते हैं सेम उसी पैटर्न में। तो यहाँ पे देखो हमारे पास रिलेशन क्या है, रिलेशन है 1 + tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा होता है, ओके। तो इसको भी सेम काम करते हैं, यहाँ पे लिखिए क्वेश्चन सॉल्यूशन 5 tan स्क्वायर थीटा प्लस का 3 इज इक्वल टू क्या है 9 sec थीटा, ओके। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए हमारा फॉर्मूला क्या है, 1 + tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है sec स्क्वायर थीटा, ये माइनस है तो प्लस, तो 10 स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा माइनस का 1। तो 10 स्क्वायर थीटा जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, sec स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये 5 तो एज इट इज रहेगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा माइनस का 1, ये प्लस 3 ऐसी रहेगा, ये इधर प्लस रहा तो माइनस 9 sec थीटा इज इक्वल टू 0, ओके। अब क्या हो जाएगा, देखिए 5 से मल्टीप्लाई कर दो तो हो जाएगा 5 sec स्क्वायर थीटा माइनस 5 प्लस का 3 माइनस 9 sec थीटा इक्वल टू 0। ये अरेंज करो 5 sec स्क्वायर थीटा, इसको ले लेता हूँ मैं माइनस 9 sec थीटा। देखो ये क्या है, 5 में से 3 गया तो 2 आएगा, बड़ा इसके लिए माइनस। अब क्या कहना, 9 आना है तो सेम चीज़ का मल्टीप्लाई यहाँ पे कर देना है, ये चीज़। तो यहाँ पे रीजन दे दो, हाँ यहाँ पे कैसे है ये रीजन है, यहाँ पे ध्यान से देखिए 5 का मल्टीप्लाई कर तो 2 में कितना जाता है माइनस 10 हो जाता है, माइनस 10 का ऐसा फैक्टर निकालो प्लस माइनस करने पे 10, 9 आना चाहिए तो 10 बन जा 10 माइनस 9, तो इस पर माइनस इस पर प्लस, साइन चेंज कर दो, ओके। अब आ जाते हैं यहाँ पे 5 तो सेम रखो sec स्क्वायर थीटा सेम, इसे पे ये वाला लिख दो माइनस 10 sec थीटा प्लस का sec थीटा माइनस का 2 इज इक्वल टू 0। पहला लास्ट वाला सेम रहेगा, इसके पे हम इन दोनों को लिखने वाले, जो भी यहाँ पे रहेगा साइन कॉस टेन रहेगा उसको लेके लिखने वाले, ओके। अब देखिए 10 में से एक गया तो 9 आने वाला, बड़ा इसके लिए माइनस में, सही है अपना। फिर से क्या करो, दो दो का पेयर लगा दो, 5 के 12 में 10 आता है ना, तो 5 को कॉमन ले लेते हैं, 5 यहाँ पे sec है यहाँ पे भी sec है तो sec को भी कॉमन ले लेंगे sec थीटा, यहाँ पे क्या हो जाएगा sec थीटा माइनस का 5 टू जा 10, यहाँ पे प्लस कुछ नहीं कॉमन आ रहा है तो 1 ले लेते हैं sec थीटा माइनस का 2 इज इक्वल टू 0। अब देखो ये दोनों सेम है, वापस से कॉमन ले लेंगे sec थीटा माइनस का 2, अभी क्या हो जाएगा 5 sec थीटा प्लस का 1 इज इक्वल टू 0। फिर से क्या हो जाएगा sec थीटा माइनस 2 इज इक्वल टू 0 और 5 sec थीटा प्लस का 1 इज इक्वल टू 0, ये 0 दोनों के इक्वल टू में आ जाएगा, ओके। तो यहाँ से ले लेंगे हम, क्या जाएगा sec थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा और यहाँ पे sec थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 1 इधर पे माइनस हो जाएगा, यहाँ पे 5 बाय, देखिए इधर इंटू है इधर तो डिवीजन, तो यहाँ पे देखिए मैंने डायरेक्ट निकाला एक स्टेप, तो आपको आ जाएगा कैसे किया है। अब ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए कि हमको क्या करना है, sec का वैल्यू लेना है, तो माइनस 1/5 नहीं कि 0 point something आएगा, ओके। और 1/5 का हमारे पास किसी का वैल्यू नहीं है, क्यों, क्योंकि हमको यहाँ पे थीटा पूछा है, हमको ये नहीं बोला है कि जो sec थीटा का पॉसिबल वैल्यू निकालो, नहीं, हमको एक्यूट एंगल मींस थीटा पूछा है, तो हमको चेक करना पड़ेगा कि कॉस किस पे वैल्यू 2 आ रहा है, ओके। तो यहाँ पे मैं ले लेता हूँ, यहाँ पे sec थीटा इक्वल टू क्या है 2 है, क्योंकि इस फॉर्म में 1/5 के फॉर्म में तो वैल्यू है, इसको हम लोग कंसिडर नहीं करेंगे, इसको हम लोग लिखेंगे sec थीटा इज इक्वल टू माइनस 1/2 नॉट कंसिडर, तो नॉट पॉसिबल, नॉट कंसिडर लिखो, हाँ
इसलिए sec थीटा इक्वल टू 2। अब sec थीटा पे 2, 2 देखो किसके अपॉन में है, sec किसका उल्टा है cos का, ओके। एंड cos 30 कितना होता है, cos 30 √3/2 होता है, तो cos 60, हां cos 60 होता है 1/2, तो cos 60 का उल्टा करेंगे तो क्या आएगा, sec 60, sec 60 कितना हो जाएगा 2, ओके। sec 60 कितना आ रहा, 2 आ रहा है, तो यहां पे लिखिए sec थीटा इक्वल टू sec 60, रेंज दीजिए sec 60 इक्वल टू कितना होता है 2 होता है, sec से कैंसिल, तो थीटा इक्वल टू क्या आ रहा है 60 डिग्री। तो ये आ गया आपका एक्यूट एंगल 60 डिग्री। देख लीजिए सेम प्रीवियस क्वेश्चन के जैसे एज इट इज सेम कॉपी किया हुआ है, ओके। बस यहाँ पे जो ट्रिग्नोमेट्री का आइडेंटिटी से वो चेंज किया, ओके। तो आप इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आज दोस्तों सॉल्व करते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोलता है, फाइंड साइन थीटा सच दैट 3 cos थीटा प्लस 4 sin थीटा इज इक्वल टू दिया है 4, ओके। चलो सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन लिख लेते हैं, 3 cos थीटा प्लस का 4 sin थीटा इज इक्वल टू 4 दिया हुआ है, ओके। हमको इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो सबसे पहला काम क्या करो, जो 4 है ना, 4 को ये तो एक काम करो, पूरे को उधर लेके चल जाओ, ये 4 sin थीटा को उधर ले लो, ओके। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 cos थीटा इज इक्वल टू 4 माइनस 4 sin थीटा, 4 माइनस 4 sin थीटा हो गया। अब क्या करें हम लोग, यहाँ से 4 कॉमन निकालने, तो लिखो 3 cos थीटा इज इक्वल टू 4 को बाहर निकाले तो अंदर क्या बचेगा, देखिए यहाँ से 4 बाहर आया तो यहाँ पे 1 बचेगा, यहाँ से 4 बाहर आया तो क्या बचेगा, साइन थीटा, ये हो गया है, ओके। अब देखिए हमको पूछा है cos थीटा साइन थीटा, तो साइन थीटा तो sec आएगा या तो cos आएगा, ओके। यहाँ से अगर cos आता है तो cos का उल्टा sec मिल जाएगा, तो हमको साइन मिल जाएगा, टेंशन नहीं, इसको cos को साइन में चेंज कर दो तो साइन को cos में चेंज कर दो, लेकिन हमको साइन पूछा है तो हम क्या करेंगे, कॉस को साइन में कन्वर्ट कर देंगे, ओके। तो हमको साइन का वैल्यू इजीली मिल जाएगा, तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, स्क्वायरिंग करना पड़ेगा। तो लिखिए स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, तो 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर 16, ये 1 माइनस sin थीटा पूरे का होल स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि देखिए ना दोनों साथ में ब्रैकेट है तो ब्रैकेट का स्क्वायर हो जाएगा, ओके। अब देखिए cos स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा, तो लिखिए 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा, यहाँ से क्या है 16 को ऐसी रखिए, यहाँ पे क्या कीजिए a माइनस b का होल स्क्वायर लगा दीजिए, तो a स्क्वायर का 1 ही आएगा, माइनस 2ab यानी कि sin थीटा प्लस b स्क्वायर यानी कि sin स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे रीजन देता हूँ, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना होता है 1 होता है, ओके। तब जाके आए ना, अब इसको करो 9 से इसके अंदर मल्टीप्लाई करो, 16 से इसके अंदर मल्टीप्लाई करो, तो 9 1 जा 9, माइनस ये हो जाएगा 9 sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 16 से मल्टीप्लाई करो, तो 16 हो जाएगा माइनस 16 दूना 32 sin थीटा प्लस 16 यानी कि 16 sin स्क्वायर थीटा। अब क्या कर दो, ये देखो ये इधर है माइनस, उनको सबको उधर ले लो, इधर इनको सबको उधर ले लो, क्योंकि हमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या चाहिए, 1 साइड 0 चाहिए था, हमको इस फॉर्म में चाहिए ना, ax² + bx + c = 0, ओके। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, इनको उधर ले लेते हैं, तो पहले जो है वो लिख लेते हैं, क्या है 16 - 32 sin θ + 16 sin²θ, देखिए ये प्लस इधर है तो -9 हो जाएगा, और ये 9 माइनस है, हाँ -9 sin²θ है, तेरा तो हो जाएगा +9 sin²θ इज इक्वल टू 0, इधर कुछ नहीं बचा तो 0। अब ध्यान से क्या करना है, पहले स्क्वायर वाला टर्म यहाँ पे है और यहाँ पे 9 से 15 कितना जाएगा 25 हो जाएगा, तो हो जाएगा 25 sin²θ, ओके 25 हो गया। अब देखिए क्या है 32 है, हाँ तो 32 ऐसी जगह -32 sin θ। अब देखिए ये 16 प्लस है और 9 माइनस है, 16 में से 9 तो कितना आएगा, 9 7 16 7 आएगा इज इक्वल टू 0, ओके। अब देखिए यहाँ पे 25 इसका मल्टीप्लाई लास्ट में करेंगे तो कितना हो जाएगा 25 25 25 25 75 होता है, और इसका ऐसा फैक्टर निकालिए प्लस माइनस करने पे ये आना चाहिए, तो हो जाएगा 25 7 125। देखिए माइनस ये ना
रुक जाइए थोड़ा सा, दो मिनट दो मिनट। 16 क्या है, देखिए बड़ा है इसके लिए प्लस में आएगा, हमको प्लस में चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, दोनों को माइनस माइनस, देखिए माइनस इंटू माइनस प्लस हुआ। एक काम करते ना, रुकिए हमको बीच में माइनस है, माइनस 32 चाहिए ना, तो हाँ दोनों पे माइनस ले लो, माइनस इंटू माइनस प्लस, ओके माइनस इंटू माइनस प्लस होता है, और 25 में 7 को ऐड किया तो 32 होता है, ओके 25 में 7 को ऐड किया तो 32 होता है, और हम लोग एडिशन में करते तो साइन तो सेम रहता है, ओके तो चलो स्टार्ट करते हैं इसको, ऐसे रखो 25 साइन स्क्वायर थीटा, इसके पे इन दोनों को ले लो, माइनस 25 साइन थीटा, ओके साइन थीटा, फिर क्या है माइनस 7 साइन थीटा प्लस का 7 इजल टू 0। अब कॉमन निकाले देखिए, यहाँ पे भी 25 है, यहाँ पे भी 25 है, यहाँ पे भी साइन है, यहाँ पे भी साइन है, मीन्स साइन 25 बाहर आ जाएगा, तो 25 साइन थीटा, ओके तो अंदर क्या बचेगा, साइन थीटा माइनस का 1। देखिए यहाँ पे भी 7 है, यहाँ पे भी 7, तो माइनस 7 को कॉमन ले लेते हैं, तो जाएगा साइन थीटा माइनस का 1 इजिकल टू 0। क्यों? क्योंकि देखिए ये माइनस कॉमन है, तो ये माइनस का प्लस हो गया, प्लस का माइनस हो जाएगा, ओके। अब देखिए इन दोनों सेम आ रहा है, इसको वापस से इसको मैं इधर लेता हूँ, यहाँ पे लिया ना, तो यहाँ पे हमने क्या लिया है, प्लस 175 का फैक्टर निकाला है, तो कितना है 25, यहाँ पे 7, ए भी माइनस, ए भी माइनस, तो हमने इधर लिख लिया, ओके। अब सेम चार्ज देखिए, यहाँ पे दोनों चीज सेम है, इसको वापस से कॉमन ले लेंगे, क्या आया है हमारा साइन थीटा माइनस का 1, और यहाँ पे क्या है 25 साइन थीटा माइनस का 7 इक्वल टू 0। अब क्या करो, दोनों के इक्वल टू 0 रख दो, तो साइन थीटा माइनस का 1 इज इक्वल टू 0, और 25 साइन थीटा माइनस का 7 इक्वल टू 0, ये माइनस उधर रहेगा तो प्लस, तो हो जाएगा साइन थीटा इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, और 25 साइन थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 7, यहाँ पे साइन थीटा क्या हो जाएगा, साइन थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 7/25, ओके। और यहाँ पे क्या आ रहा है आपका, साइन थीटा इज इक्वल टू 1, ओके। और हमको क्या बोला है, फाइंड दिस साइन थीटा, ओके। और देखिए इसका जो वैल्यू आएगा 0 point something आएगा, इसका जो वैल्यू आएगा क्या आएगा, 0 point something आएगा, ओके। देखिए ये क्या है साइन थीटा, देखिए ना यहाँ पे आप चाहिए तो यहाँ पे लिख दो रीजन में, कि जो साइन थीटा का वैल्यू होता है क्या होता है, माइनस 1 से ग्रेटर देन इक्वल टू होता है, ओके, और 1 से क्या होता है, लेस देन इक्वल टू होता है, ओके, ये हो जाता है। अब क्या करना है इसके बाद, यहाँ पे चेक करो, ये भी इसके रेंज में आ रहा है, 7/25 मीन्स दोनों रेंज में आ रहा है, तो आंसर क्या हो जाएगा, साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/7/25, ये आपका आंसर हो जाएगा, ओके। क्योंकि हमको क्या बोला था, साइन थीटा का आंसर पूछा ना, तो इस तरीके से निकालना है। देखिए हमने क्या किया इसमें, सबसे पहले जो क्वेश्चन दिया था इसको उधर ले लिया, फिर 4 को कॉमन लिया, 1 - sin, तो हमने जो भी क्वेश्चन था उसको साइन के फॉर्म में कन्वर्ट किया, क्यों, क्योंकि हमको साइन थीटा पूछा था, ओके। तो हमने साइन थीटा निकालने, सबको साइन थीटा में कन्वर्ट किया, और उसको कन्वर्ट करने के बाद हमको दिख रहा है कि क्या आ रहा है, यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ रहा है, तो हमने इसको फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व कर लिया। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व हो गया, आप इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, ओके। आया दोस्तों सॉल्व करते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 10, ओके। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोलता है, कि इफ कोसेक थीटा प्लस का कॉट थीटा इज इक्वल टू 5 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ सेक थीटा, ओके। मैंने क्वेश्चन को घुमा दिया, सेम प्रोसेस से पिछले बार भी सही करना है। चलो क्वेश्चन लिख लेते हैं, क्या है, कोसेक थीटा प्लस का कॉट थीटा इज इक्वल टू 5। अब देखिए हमको सेक चाहिए, तो सेक कब मिलेगा, तो कॉस मिलेगा तब सेक मिलेगा, ओके, या तो डायरेक्ट सेक मिलेगा, तो यहाँ पे तो डायरेक्ट सेक तो पॉसिबल नहीं है, तो हम लोग इसको कॉस में चेंज कर सकते हैं। देखिए कोसेक क्या होता है, 1/sin थीटा प्लस कॉट क्या होता है, साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा इज इक्वल टू 5। चाहिए तो यहाँ पे आप रीजन दे दीजिए सब चीज, कि कोसेक तो 1/sin थीटा होता है, और कॉट थीटा क्या होता है, साइन थीटा सॉरी कॉट देना, कॉट कॉस अपन में साइन था, कॉस अपन में साइन थीटा ये होता है, ओके। तो यहाँ पे उल्टा लिख दो, कॉट ऊपर जाएगा, कॉस थीटा अपन में साइन थीटा, ओके, क्योंकि यहाँ पे क्या है, कॉट थीटा है, साइन थीटा नहीं है। अब क्या करना है, देखिए डिनोमिनेटर सेम, उसको एक बार लिखेंगे तो जाएगा साइन थीटा ऊपर क्या जाएगा, 1 + cos थीटा = 5,
ये देखिए इधर क्या है, इधर ये डिवीजन में इधर है तो इनटू में हो जाएगा, तो जाएगा वन प्लस कॉस थीटा इक्वल टू क्या जाएगा फाइव साइन थीटा। ओके अब क्या करना है, स्क्वायरिंग कर दो बोथ साइड, क्योंकि स्क्वायरिंग के बिना तो आयरन वाला नहीं है, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। ओके तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे जाएगा वन प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू फाइव का स्क्वायर 25, साइन थीटा क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा। ओके हमको कॉस में कन्वर्ट करना है ना, तो इसको कॉस में कन्वर्ट कर देते हैं। पहले से क्या करो, ए प्लस बी का होल स्क्वायर निकाल लो, ए का स्क्वायर वन प्लस टू कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 25, तो सेम रहने वाला है, यहाँ पे क्या वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ पे रीजन दे देता हूँ, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है वन होता है। ओके ये हो गया, अब क्या करना है 25 से मल्टीप्लाई कर दो, तो जाएगा वन प्लस टू कॉस थीटा प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 25 माइनस 25 कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखो इन दोनों को इधर ले लेते हैं। ओके तो जाएगा वन प्लस टू कॉस थीटा प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा, ये इधर है तो माइनस 25, इधर है तो प्लस 25 कॉस स्क्वायर थीटा। ओके ये हो गया, अब क्या करना है अरेंज कर लेते हैं, इज इक्वल टू जीरो, हाँ कुछ नहीं बचा तो जीरो, तो पहले 25 कॉस स्क्वायर थीटा और टू। ओके यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे है 25 कॉस स्क्वायर थीटा और ये वन, कितना होगा 26 कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, तो 26 कॉस स्क्वायर थीटा पहला काम। फिर देखिए यहाँ पे टू टाइम है कॉस थीटा, तो ऐसे लिख लो प्लस टू कॉस थीटा। अब देखिए ये 25 माइनस है और वन प्लस है, तो 25 में से वन गया तो 24 हो जाएगा, प्लस का 24 इक्वल टू जीरो, प्लस नहीं माइनस है तो माइनस आएगा, माइनस है तो माइनस आएगा। अब ध्यान से देखिए सभी एक के टेबल में आ रहा है, हाँ आ रहा है, टू के टू वन जा टू थर्टीन जा और ट्वेल्व टू जा 24। ओके तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आप ध्यान से देखिए 13 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस का कॉस थीटा माइनस का 12 इज इक्वल टू जीरो। अब देखिए 12 और 13 का मल्टीप्लाई करना है, कितना था मतलब नहीं, देख लो इतना ध्यान से रखो, इन दोनों का मल्टीप्लाई करूंगा, हाँ ऐसे निकाल ही देता हूँ, 13 12 का 13 दोनों 26 के 6, 13 कम 13 या 14 15, 13 दोनों 26 के 6 हासिल 2, 13 कम 13 तो 15, इतना आ रहा है 156, और फैक्टर निकालने पे 1 होना चाहिए तो 13 इंटू 12 आएगा, प्लस ये तो बड़े वाले प्लस छोटे वाले पे माइनस। ओके इस तरीके से निकालना है, और ध्यान से कि इन दोनों का ही मल्टीप्लीकेशन हो रहा है, इन दोनों पे साइन रख दो, बस जिसका मल्टीप्लाई करो वही रखना है। यहाँ पे सेम रहेगा 13 कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ पे जाएगा प्लस 13 कॉस थीटा माइनस का 12 कॉस थीटा और माइनस का 12 एज इट इज इक्वल टू जीरो। ओके यहाँ से 13 कॉस कॉमन ले लेते हैं, 13 कॉस थीटा कॉमन कॉस थीटा प्लस का 1, यहाँ से माइनस 12 कॉमन ले लूंगा तो कॉस थीटा प्लस का 1 इज इक्वल टू जीरो, फिर से कॉमन ले लो तो कॉस थीटा प्लस का 1 को कॉमन ले लिए, अंदर क्या बचेगा 13 कॉस थीटा माइनस का 12 इज इक्वल टू जीरो। ओके तो देखिए तो कॉस थीटा इज इक्वल टू सॉरी कॉस थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू जीरो, क्यों दो ब्रैकेट के इक्वल टू में जीरो है तो दोनों के इक्वल टू में सेपरेटली जीरो जाएगा। ओके यहाँ हो गया, फिर और 13 कॉस थीटा माइनस 12 इज इक्वल टू जीरो, कॉस थीटा माइनस 1 और कॉस थीटा 13 है ना, 13 कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा, तो कॉस थीटा एक ध्यान से देखिए रुक जाइए, यहाँ पे 13 है ना, 13 बाहर ले तो हाँ बराबर है बराबर है, यहाँ पे हो जाएगा देखिए इधर प्लस दे रहे तो माइनस हो जाएगा माइनस 1 और इधर तो हो जाएगा 13 रुक जाओ इधर इंटू इधर तो डिवीजन हो जाएगा तो कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या जाएगा 12/13। ओके 12/13 तो यहाँ पे देखिए क्या आ रहा है कॉस थीटा माइनस आ रहा है, हमको पूछा क्या है सेक थीटा पूछा है। ओके तो ये माइनस तो क्या है एक्स का वैल्यू माइनस डिफाइन नहीं कर पाए, तो यहाँ पे ले लेते हैं हम लोग कि कॉस थीटा इज इक्वल टू माइनस 1 नॉट पॉसिबल, इसलिए क्या हो जाएगा हमारा कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 12/13 हो जाएगा, हमको क्या पूछा है सेक पूछा ना, तो लिखिए सेक थीटा इज इक्वल टू 1/cos थीटा मींस क्या हो जाएगा 1/12/13, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 13/12।
यहाँ पर हो जाएगा सेक थीटा इक्वल क्या आएगा 13/12। ये आपका फाइनल आंसर है, देख लीजिए। ये इस तरीके से निकालना है, कुछ भी हार्ड नहीं है, बस थोड़ा सा लेंदी है, लेकिन ध्यान से कि हमने क्या किया है, ये हमको ये चीज़ दिया हुआ था हमको, लेकिन क्या पूछा, सेक थीटा पूछा, तो हमको सेक थीटा तो डायरेक्टली मिलेगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे कोसेक और कॉट का कोई भी रिलेशन नहीं सेक का। सेक का रिलेशन किसके साथ है, टेन के साथ है, तो यहाँ पे तो मिलने वाला नहीं, लेकिन इसका एक और रिलेशन है कॉस के साथ, तो यहाँ से हमको कॉस तो मिल सकता है। कैसे, देखो साइन किस कोसेक क्या है, साइन का अपन साइन का रेसिप्रोकल है, तो कोसेक जब वन अपन साइन लिख दिया, और जो कॉट है कॉस कॉट किसका रेसिप्रोकल है, कॉस कॉट का जो वैल्यू है कॉस अपन में साइन होता है, देखो साइन सेंस सेम है, वन टाइम लिख दिया, इन दोनों को ऐड कर दिया। फिर यहाँ से हमने क्या किया, कुछ इस तरीके से इक्वेशन निकाल लिया साइन और कॉस के फॉर्म में, हमने इसका स्क्वायरिंग किया, तो यहाँ पे देखिए कॉस के फॉर्म में, यहाँ पे साइन के फॉर्म में, इसको चेंज कर दिया साइन के फॉर्म में। ओके, तो देखो सब के सबको सब कर साइन को चेंज कर दिया हमने कॉस के फॉर्म में, हाँ साइन नहीं कॉस के, सब कॉस के फॉर्म में आ गया, देख लो। फिर यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया, उसको सॉल्व किया तो हमको वैल्यू आ गया। ओके, तो ये इस तरीके से सॉल्व करना है, तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 10 पूरा सॉल्व होता है। ओके, तो यहाँ के लिए हम लोग बस स्टॉप करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके।